सांसद से मिल करके यहाँ पर हम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ और NRC और NPR के खिलाफ हम अपना के साथ हम यह एहतजाज निकाल रहे हैं। और हमारी मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट से एक ही हमारी गुजारिश है कि ये NRC जो है इसको क्यों दिया जा रहा है। अगर NPR किया जा रहा है तो NPR और NRC में फ़र्क क्या है? और ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया है इसमें मुसलमानों का नाम क्यों नहीं है? मैं यही पूछना चाहता हूँ हुकूमत हिंदुस्तान से कि आखिर मुसलमान ने हर जगह पर अपना खून बहा करके हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई और आज 70 सालों के बाद हमें जनगणना होती रही है, मर्दमशुमारी होती रही है, लेकिन ये NPR के शक में कभी नहीं हुई, जिसे हम कतान बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ हैं। और हमारी यहाँ की पूरी कौम ये चाहती है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बदोबदल किया जाए, या तो उसमें मुसलमानों का नाम जोड़ा जाए या उसमें और से ऐसा कुछ तरमीम किया जाए जिससे मुसलमानों की शहरियत पर आँच न आने पाए। ये मैं हिंदुस्तान के हुकूमत से और हमारे KCR साहब से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी अपनी कौम का साथ दीजिए और ये जो शहरियत तरमीम बिल है ये पास हो चुका है, इसमें फिर से तरमीम करने के लिए आप दबाव डालिए। हम आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज। सलाम। आज हल्के में जो रैली निकाली गई है NRC CAA के खिलाफ, बेहतरीन गांधी रैली निकाली गई है और हमारा मुतालिका हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमें किसी से लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। हम मेरे पूरे भाइयों से मैं इल्तिजा करना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई सिर्फ सरकार से है, हमारे हिंदू भाइयों से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारे सिख भाइयों से हमारी लड़ाई नहीं है, गैर कौम से किसी से, सब हमारे भाई है। हमारी लड़ाई सिर्फ सरकार से, हमारी लड़ाई सिर्फ मोदी से। हम बस यही कहना चाहते हैं हमारी गलती क्या है, क्या मुसलमानों के पैदा होना हमारी गलती है, क्या देश के लिए हम लोग क्या पसीना हमने नहीं बहाया? आज जाके इंडिया गेट पे आप देख सकते हैं, आज इंडिया गेट पे देख सकते हैं 2600 में से 1600 खाली हमारे शहीदों के नाम लिखे गए हैं। आज ये हमारा हक बनता है। NRC के साथ धोखा है, इन्हें बहुत बड़ा धोखा है। सुधर जाओ मुसलमानों, आज भी मौका है, हमें हमारी आज़ादी हम छीन के लेंगे, हम लड़ के लेंगे। और मैं आप लोगों को फिर एक बार कहना चाहता हूँ, हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, हमें कोई कौम से दुश्मनी नहीं है, हमें सिर्फ हमारी लड़ाई सिर्फ सरकार से लड़ना है। हमने सरकार से हमें हमारा बिल वापस लेना है, जब तक हम लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। निशान लिखा है, सितम सहकर भी हमने प्यार का उन्वान लिखा है, हमें नफरत भरी नज़रों से हरदम देखने वालों हमारे सीने में छापो हिंदुस्तान लिखा है। दोस्तों, आज मुसलसल एक महीने से हिंदुस्तान की सेकुलर माइंड रखने वाले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई और मुल्क हिंदुस्तान का मुस्तकबिल जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में आज ज़ेर तालीम हैं, सड़कों पर निकलकर हुकूमत को ये बतला रहे हैं, हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप मुल्क के दस्तूर की हिफाजत कीजिए, मुल्क के दस्तूर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। लेकिन आज इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारे भाई आज मर रहे हैं, पिट रहे हैं, कट रहे हैं, जल रहे हैं, लेकिन आज हुकूमत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आज हुकूमत हिंद हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से लड़ाने और नफरत की बीज बोने में लगी हुई है, दस्तूर के साथ खिलवाड़ करने में लगी है और ये समझ रही है कि हम जो भी कर ले हमें कुछ करने वाला होने वाला नहीं है। आज हुकूमत हिंद हुकूमत के नशे में मदहोश होकर ये समझ रही है कि उन्हें जवाल आने वाला नहीं है। मैं उन्हें साफ अंदाज में कहना चाह रहा हूँ कि याद रख लो, आए फिरका परस ताकतो, आज जो तुम एक खास मजहब को जुल्म की चक्की में जो पीस रहे हो, आज हमारे भाई जो हमारे बहनों के आँख से जो आंसू निकल रहे हैं, हमारे भाइयों के दिल से जो एक ऐसी आह निकल रही है, इंशाअल्लाह ताला ये आंसू और ये आह एक सैलाब बनकर तुम्हें अपने सैलाब के अंदर डुबा ले जाएंगे और तुम्हारा खात्मा ज़रूर होगा। ये मत समझो कि तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा खात्मा होकर रहेगा, हिंदुस्तान के अंदर सेकुलरिज्म कायम होकर रहेगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि खून मजलूम अब ज़्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर अब ज़्यादा नहीं चलने वाला, इन अंधेरों को चीर कर नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। और दूसरी बात मैं हमारे हिंदू भाइयों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारे हिंदू भाइयों के दिल में मुसलमानों की नफरत डालने की कोशिश की जा रही है। मैं अपने भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे भाई, जैसा कि हिंदुस्तान के अंदर यह मुहावरा मशहूर है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये हमारे मुल्क की आन बान और शान है, आज हमारे मुल्क की शान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मैं अपने भाइयों से कहना चाह रहा हूँ कि मेरे भाइयों, हालात को समझिए, ये ना हिंदू का मसला है ना मुसलमान का मसला है, बल्कि आज हमारे मुल्क के अंदर एक सियासत की बीज
बोकर हिंदुस्तान के अंदर एक खास मजहब को टारगेट बना रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों, जब किसी घर को आग लगती है तो उसकी जद से पड़ोसी भी नहीं बच सकता। मैं अपने हिंदू भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि यकीनन आप अपने दिल में हमारी मोहब्बत रखते हैं, लेकिन इस मोहब्बत का अंदाजा उसी वक्त हो सकता है जब आप रोडों पर निकल कर एहतजाज कर हुकूमत को बतलाएं कि जिस तरह मुसलमान हमसे मोहब्बत करते हैं, हम भी अपने दिलों में मुसलमान भाइयों की मोहब्बत को लिए हुए हैं और आखिरी दम तक मुसलमानों के लिए लड़ते रहेंगे, जिद्दोजहद करते रहेंगे। जो भाई आज रोड पर निकल कर हमारे लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उनको सलाम करता हूँ और उनसे बहुत अदबान गुजारिश करता हूँ कि दोस्तों, ये सिलसिला ख़त्म करना नहीं है। जब तक ये CAA और NRC वापस नहीं लेंगे, उस वक्त तक हम इस कोशिश को जारी रखेंगे और जिद्दोजहद करते रहेंगे। मर जाएंगे एक और मरतबा अपने मुल्क के लिए, अपनी आज़ादी के लिए हम अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे, लेकिन हम हद से पीछे हटने वाले नहीं है।